2023 SCMR 172 हिदायत खान बनाम सरकार व दीगर। इस मामला में पेशावर हाई कोर्ट मेनगुरा बेंच की तरफ से अगवा और अगुआ के इल्जामात से वाबस्ता मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को मुलजिम की तरफ से चैलेंज किया गया था। मुकदमे के हकायक मुद्दई मुकदमा ने दावा किया कि उसकी बीवी मुलजिम हिदायत खान के साथ फरार हो गई है। ये मुकदमा जिना नफाजदूद आर्डीनेंस 1979 के तहत दर्ज किया गया था, जो जिना अगवा और किसी औरत को निकाह के लिए मजबूर करने के लिए अगवा या उकसाने जैसे जराइम से मुतालिक है। अदालत का फैसला एफआईआर में मुलजिम के मुलव्वस होने के बारे में मुद्दई मुकदमा की मालूमात के जराए का इंकिशाफ नहीं किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बिलतरतीब 8 और 4 रोज बाद 2 सरकारी गवाह सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि इन्हें मुलजिम के मुलव्वस होने का इल्म हुआ, ताहम इन्होंने भी अपने जराए मालूमात जाहिर ना किए। मुद्दई मुकदमा की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद इंक्वायरी का केस करार देते हुए दरख्वास्त को अपील में तब्दील कर दिया और हिदायत खान को जमानत दे दी। अदालत ने इस वाकये को भी मद्देनजर रखा कि अगर मुलजिम जमानत का हकदार है तो सिर्फ फरार होना जमानत देने से इनकार करने की काफी वजह नहीं है।